नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन के ऊपर जो सोलर सिस्टम है उसके ऊपर सब्सिडी आई हुई है और उसकी हम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि कितने लोगों को कनेक्शन मिलेगा, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा और कब होगा, उसकी हम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूंगी, अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय बिजली मंत्रालय है उसकी तरफ से जो है बहुत सारे कनेक्शनों को जो है मंजूरी दे दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर किस स्टेट में ये जो कनेक्शन है मिलने वाले हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये हरियाणा में मिलने वाले हैं, स्पेशल हरियाणा के लिए ही ये वीडियो है। और कितने लोगों के लिए कनेक्शन को मंजूरी दी गई है वो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 32,000 लोगों को जो है ये कनेक्शन जो है मिलने वाले हैं। अब इसके लिए हम बात कर लेते हैं कि ये जो कनेक्शन है किस योजना के तहत मिलेंगे। तो किसान भाइयों, ये जो आपको जो सोलर सिस्टम मिलेगा ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, ये आपको प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत मिलने वाला है। और इस बार थोड़ा जो स्कीम में चेंज किया गया है, पहले जो तरीका होता था सोलर कनेक्शन जब भी मिलते थे तो उसके लिए कुछ सब्सिडी जो है सरकार की तरफ से भरी जाती थी और बाकी जो पैसे बचते थे, मान लीजिए 80 से 85% सब्सिडी मिल गई तो लगभग 15 से 20% आप बोल सकते हैं कि जो पैसे किसान को भरने पड़ते थे। लेकिन इस बार इसको 3 हिस्सों में बाँट दिया गया, थोड़ा कुछ बदलाव जो स्कीम में देखने को मिला है। इस बार क्या होगा, जो टोटल खर्च इसके ऊपर होने वाला है उसका 60% तो आपको सरकार सब्सिडी के रूप में देने वाली है और जो उसका 30% होगा वो 30% सरकार आपको बैंक की तरफ से लोन करवा के देगी, फिर आपको जो है उस लोन को भरना होगा। बचता है 10%, तो जो 10% बचता है वो आपको शुरू में आपको जो है जमा करवाना होगा। तो मतलब मान लीजिए कि तकरीबन 60% जो आपको सब्सिडी मिलने वाली है और तकरीबन 40% जो है आपको भरना पड़ेगा। यहाँ तक ये जो स्कीम है कुछ इस प्रकार से इस बार जो है निकाली गई है। तो लगभग मैं आपको बता दूं कि 32,000 लोगों को जो है कनेक्शन जो हरियाणा में सोलर कनेक्शन जो है मिलने वाले हैं। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो कनेक्शन है ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो है बांटे जाएंगे या फिर बोल सकते हैं कि दिए जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं कि आखिर इनका रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो फिलहाल जो पोर्टल है वो अभी खुला नहीं है, जैसे ही वो पोर्टल खुलता है आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी, तब आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपके लिए एक और जानकारी जो बचती है कि जो सोलर सिस्टम है इस बार उम्मीद की जा रही है कि इसके साथ जो है एक बिजली का सिस्टम जोड़ा जाएगा, बिजली की लाइनें आप बोल सकते हैं कि सीधी जोड़ी जाएंगी, जिसकी मदद से क्या होगा, जो भी आपकी जो बिजली बनती है एक दिन में, मान लीजिए आपने कुछ दिन तक जो है उसको यूज नहीं किया तो उसमें बिजली तो बनती रहेगी, जो बिजली बनेगी वो डायरेक्ट जो दोबारा लाइनों में चली जाएगी और जितनी बिजली आपकी लाइनों में जाएगी उसके हिसाब से सरकार आपको जो है पैसे भी देने वाली है। तो ये हो सकता है, इसका तय नहीं हुआ है, ये पक्का नहीं है, मतलब ये अभी तय नहीं है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन संभावना है कि इस बार ऐसा हो सकता है। तो किसान भाइयों, ये थी सब्सिडी कि आखिर कितने लोगों को मिलेगी, कितनी मिलेगी, यानी कितने आपको जो सब्सिडी मिलने वाली है और कब आपको मिलने वाली है। जैसे ही पोर्टल खुलेगा हम रजिस्टर करने के लिए आपको जानकारी उसकी दे देंगे और तब आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो किसान भाई, मैं आशा करता हूं कि आपको जो ये वीडियो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर ये स्कीम जो है सरकार की जो सब्सिडी के साथ आपको लोन दिलवाकर बाद में आपको उसको भरना होगा, ये स्कीम आपको कैसी लगी, आप उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।